हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। इसका थोड़ा सा यूज करने से हमारा प्लांट में फंगस नहीं लगता है। फंगस ऐसे एक बीमारी है, एक बार प्लांट का सॉइल में, प्लांट का मिट्टी में एक बार फंगस लग जाए तो प्लांट को फंगस से दूर रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमारा पौधा, हमारा प्लांट फंगस के कारण में एकदम रूट सिस्टम से खराब हो जाता है, पौधा गल जाता है। इसका थोड़ा सा यूज करने से आपका प्लांट में और क्या बेनिफिट देता है? हमारा प्लांट में जो कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी को ये ठीक करते हैं। प्लांट में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जितना ही जरूरी होता है, कैल्शियम भी उतना ही जरूरी चीज होता है। कैल्शियम हमारा प्लांट का जो तने होता है, जो ब्रांच होता है उसको मजबूत बनाते हैं और प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसको भी मजबूती देता है। यानी कैल्शियम अच्छे क्वांटिटी में होने के कारण में हमारा प्लांट इतना स्ट्रांग बन जाता है एकदम अंदर से कि प्लांट में जो फ्रूटिंग होता है, जो फ्लावरिंग का प्रोसेस चलता है, जो बर्ड्स बनते हैं वो झड़ता नहीं एकदम मैच्योर होने से पहले पहले। इसका थोड़ा सा इस्तेमाल से हमारा प्लांट में और क्या बेनिफिट मिलता है? फ्रेंड्स, आप प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से फर्टिलाइजर देते हैं पर आपका जो रिजल्ट मिलने वाले है उतना अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देता है आपका प्लांट में, क्योंकि प्लांट के अंदर कुछ कमी रह जाते हैं कि प्लांट आपका दिया हुआ फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से अपने के अंदर ले नहीं पाते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से आपका प्लांट में जो मिट्टी का जो पीएच बैलेंस है वो सही से हो पाता है, आपका सॉइल भी थोड़ा एसिडिक भी ये बना देते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा तरीके से खाना भी बना पाते हैं, आप जो फर्टिलाइजर देते हो प्लांट में वो भी सही से ले पाता है और अपना काम सही तरीके से कर पाता है। इसके मतलब आप प्लांट में एक ही चीज यूज कर रहे हो और आपको बहुत सारा फायदा ये दे रहे हैं आपका प्लांट में, आपका गार्डन में। तो हमारा प्लांट में जो इतना फायदा दे रहे हैं ये कौन सा चीज है, आपको कहाँ से इजीली मिल सकते हैं और मंथ में आपको कितने बार यूज करना है आपका प्लांट में, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पे प्लीज बने रहना। प्लांट में किस प्रोसेस पे यूज करना है, किस प्रोसेस पे डालना है उसको कम्प्लीट जानकारी लेने के बाद ही आपको प्लांट में यूज करना है। तो ये कौन सा चीज है? ये है खाने वाला चूना, जिसको बुझा हुआ चूना बोलता है। आपको कहाँ से मिलेगा? जो पान का शॉप होता है, पान का शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा। आपको दिखाऊंगी इसका पैकेट किस तरीके से आते हैं। तो एक पैकेट आप चूना लेंगे तो काफी दिन तक आपका गार्डन में इस्तेमाल होते ही रहेगा। चूना यानी लाइम को किस तरीके से आपको यूज करना है, इसका तीन प्रोसेस आपको दिखाऊंगी यूज करने का। तो जो इजी तरीका आपको लगे तो आप उसी के हिसाब से यूज कर लेना। प्लांट में चूना को यूज करने के टाइम क्या क्या सावधानियां आपको लेना है? चूना को बहुत ही कम क्वांटिटी पे आपको लेना है। एक प्लांट के लिए आपको एक से डेढ़ मंथ के बीच में यूज करना है। बहुत ही जल्दी जल्दी प्लांट में चूना को इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपका प्लांट में आप चूना यूज करेंगे, आपका प्लांट का मिट्टी गीला होना चाहिए, यानी सूखे मिट्टी में आपको चूना को इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बुझा हुआ चूना यानी जो खाने वाला चूना होता है उसी को ही इस्तेमाल करना होगा। तो इतने छोटे छोटे बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स चूना को यूज करने के टाइम। अब चलिए आपको दिखाती हूँ कि कौन सा प्रोसेस फॉलो करके आपको गार्डन में चूना को इस्तेमाल करना है। पहला प्रोसेस ये रहेगा कि चूना को आप जब पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो पॉटिंग मिक्स के साथ भी चूना को ऐड करके आप प्लांट को लगा सकते हो। पान के शॉप से जब आप चूना खरीदेंगे, देखिए इस टाइप का पैकेट में आपको भुजा हुआ चूना मिल जाएगा। अच्छे तरीके से देख लीजिए, ऐसे छोटे छोटे पैकेट में आता है और बहुत ही सस्ता मिलता है। तो चूना मिलना बहुत ही मुश्किल का काम नहीं होता है, बहुत ही आसान है। पान शॉप से आपको इजीली सस्ता में मिल जाएगा। अब आपको दिखाती हूँ कि कितना इजी तरीके से आप चूना को प्लांट में यूज कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर के पानी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लूंगी 1/2 टीस्पून। इस तरह पैकेट में छोटा सा छेद कर लेना है और आपको जितना जरूरत है उतना आप निकाल लीजिए और बाकी जो पैकेट रह जाएगा, जो चूना रह जाएगा इसको आप फेंकना नहीं है फ्रेंड्स, आपको दोबारा इस्तेमाल करना है। एक सेम प्लांट में आप 1.5 से 2 मंथ के बीच में आप इस चूना को दोबारा यूज कर सकते हो। तब तक के लिए इस पैकेट को आपको फ्रिज में रखना है, आप खुला जगह पे हवा में मत रखिए तो ये ड्राई हो जाएगा।
तो देखिए, पहले आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें आपको अच्छे तरीके से जितना चूना आपको एक लीटर के हिसाब से मैंने आपको बताया आधा टीस्पून आपको लेना है, तो इसको अच्छे से आपको डाइल्यूट करके घोल लेना है। उसके बाद इस पानी को आपको सीधा सीधा नहीं डालना है, इस पानी को फिर एक लीटर पानी में आपको मिला के बहुत ही अच्छा से एक लीटर पानी के साथ डाइल्यूट करके फिर आपको प्लांट में इस्तेमाल करना है। और जब आप प्लांट का मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे उस टाइम आपका प्लांट का मिट्टी एकदम हल्का सा मॉइस्चर उसमें होना चाहिए, सूखा सूखा मिट्टी में आपको नहीं डालना है। तो ऐसे सूखा मिट्टी में आप डालेंगे तो कभी कभी आपका प्लांट में जो रूट्स है वो जल सकता है। चूना को इस तरीके से पानी के साथ डाइल्यूट करके प्लांट में यूज करने का ये जो तरीका है ये सबसे आसान मेरे को लगता है, मैं इसी तरीका को ही फॉलो करती हूँ। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप चूना लीजिए थोड़ा क्वांटिटी में, जैसे मैंने आपको आधा टीस्पून, और आपको प्लांट का जो मिट्टी है उसके साथ आप मिला के बहुत ही अच्छे से गुड़ाई करके साथ साथ में आपको मिट्टी में पानी डालना है। तो ये भी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप हमेशा पानी के साथ डाइल्यूट करके जितना क्वांटिटी मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा पानी भी आप मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे कम पानी में आप डाइल्यूट मत करिए। तो ऐसे पानी के साथ डाइल्यूट करके आप प्लांट में पौधा में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जब भी आप प्लांट में लाइम वाटर डालेंगे उसी टाइम पे आपको इस फर्टिलाइजर को यानी लाइम वाटर को बनाना है, ऐसे नहीं है कि आप बना के रख देंगे और बाद में आप डालेंगे, तो साथ साथ में आपको ये काम करना है, बना के नहीं रखना है। प्लांट में चूना यूज करने के बाद आपको और कोई कैल्शियम सोर्स प्लांट में यूज नहीं करना है, इसी चूना से ही आपका प्लांट में सफिशियंट कैल्शियम मिल जाएगा, आपको प्लांट में बार बार डालने का भी कोई जरूरत नहीं है। और एक बार आप डालेंगे तो एक से डेढ़ महीना तक ये चूना आपका प्लांट में कैल्शियम प्रोवाइड करते ही जाएगा और प्लांट को कैल्शियम मिलते ही जाएगा। और कौन सा प्लांट में आपको देना है, कौन सा प्लांट में आपको नहीं देना है, तो फ्रेंड्स कैल्शियम का ज़रूरत हर तरीके के पौधा को ही चाहिए होता है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग वेजिटेबल जो भी प्लांट में आप डालना चाहते हो, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखिए मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी में ही ये बुझा हुआ चूना लिया है, इसको मैंने क्या करूँगी जो प्लांट का मिट्टी में डाल के आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से ये गीला है एक्चुअली फ्रेंड्स, इसलिए चिपक रहे मेरे हाथों के साथ। तो ऐसे मिट्टी में रखना है और प्लांट को अच्छे तरीके से आपको गुड़ाई करके साथ साथ में पानी देना है। ये चीज़ आप याद रखना, जब आप मिट्टी का पॉटिंग सॉइल में इस तरीके से चूना को मिलाएंगे आपको पानी साथ साथ में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कि आप चूना डाल के मिट्टी को गुड़ाई करके छोड़ दिए हो, मिट्टी को सुखाने के लिए दिए हो, उसके बाद में आप पानी डालेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। जब भी आप प्लांट का मिट्टी में चूना डालेंगे साथ साथ में आपको पानी डालना ही है। तो फ्रेंड्स आप प्लांट में कैल्शियम का डेफिशिएंसी कभी आने मत दीजिए, तो आपका प्लांट में खूबसूरत फूल खिलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए जैसे मेरे गार्डन में कितना तरह तरह के खूबसूरत फूल खिल रहे हैं, इसके मतलब है मेरा प्लांट में कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं हुआ है। आज का जानकारी कैसे लगे फ्रेंड्स आपको, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।